50 वर्षों से प्रयासरत थे स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधि, और उनकी ये मांग पूरी हो चुकी है। कल शाम इसे मंजूरी मिल चुकी है। और आपको बता दें, अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं, उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां पर ये बांध बनाया जाएगा। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी का ये बांध होगा। जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से चली आ रही थी और देर शाम उसको स्वीकृति मिल गई है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं साथियों क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कीड़ा जी। सर, उत्तराखंड की आवाज में स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं उत्तराखंड की आवाज का अपनी तरफ से भी स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को उत्तराखंड आवाज की तरफ से उठाया जाता है। जैसा कि विदित है, जमरानी बांध को कल केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वर्तमान में हम लोग इसकी कॉस्ट रिवाइज कर रहे हैं। देर शाम जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी मिल गई है। वर्षों से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक और क्षेत्रीय ग्रामीण इस योजना को मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। वहीं इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्रीय और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर है। जमरानी के ग्रामीणों ने कहा कि इसके इंतजार में उनकी एक पीढ़ी तो चली गई। मेरा नाम उमेश पांडे है। ये तो हम 50 साल से लगभग सुन रहे हैं कि जमरानी बांध अब बनेगा तब बनेगा, ये अब आज तक तो कभी बना नहीं। फिर क्या पता आगे को आप क्या हो। अब सुनने में आ रहा है कि बनेगा बनेगा करके सुनने में आ रहा है। इससे हमारे बनने से हमको बहुत फायदा होगा, हमारे गांव को, हमारे नीचे प्लेन को और आसपास के दूर क्षेत्र वालों को, सबको फायदा होगा इसका बांध बनने से। अब सुनते सुनते हमारी पीढ़ी गुजर गई, हमारे पिताजी दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, अब हम तीसरी पीढ़ी में हम चल रहे हैं। तो मंजूरी मिल गई तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। इससे हमारे फायदा ही होगा, हमको नुकसान क्या होगा, फायदा ही होगा। ग्रामीणों के साथ ही क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बता दें कि उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का हल होगा। देखिए, कल देर रात जमरानी बांध जो पिछले कई वर्षों से राजनीति की भेंट चढ़ रहा था, जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जमरानी बांध बनेगा, वो पिछले देर रात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी स्वीकृति केंद्र से मिल चुकी है, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकल के सांसद हमारे अजय भट्ट जी का, हमारे विधायक राम सिंह केड़ा जी का, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिससे हमारे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड और पूरा उत्तर प्रदेश जिसमें पानी की समस्या जो बहुत अभी अत्यंत आवश्यक है, वो पूरी होगी और क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और भी कई रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र को बहुत फायदे हैं। साथ ही मेरा क्षेत्र खुद पुनर्वास में आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग बोरा, ग्राम प्रधान पनियाबोर। बता दें कि उत्तराखंड के जिला नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध, जिसकी ऊंचाई 150.60 मीटर का निर्माण प्रस्तावित है। इसी क्रम में अब इस बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी हरी झंडी प्रदान कर दी है। बता दें कि नैनीताल जिले में बनने वाले जमरानी बांध में लगभग 1261 परिवार प्रभावित हैं, जिनको सरकार की ओर से विस्थापित किया जाना है, जिनको ABC 3 कैटेगरी में विभाग ने चिन्हित किया है। आपको बता दें कि इस योजना से उत्तराखंड के 2 जिलों को इसका विशेष लाभ होगा, जिसमें नैनीताल और उधम सिंह नगर जिला मुख्य रूप से हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जिले के रामपुर और बरेली 2 जिलों को इससे बड़ा लाभ पहुंचेगा। वहीं विभाग की ओर से बताया गया है कि लगभग 5 सालों का समय इसे और पूरा करने में लगेगा। अगर बात करें तो ये परियोजना 1975 से चल रही है और लगभग 45 सालों से अधिक का समय अभी तक लग चुका है। वहीं आज जमरानी क्षेत्र में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा का ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। सर, मेरा नाम निखिल महतुलिया है, मैं ग्राम सभा रौंसिल का निवासी हूँ। जमरानी बांध को मंजूरी मिलने से हम माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एवं इस विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय राम सिंह कड़ा जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हमें अपार खुशी है कि इसको मंजूरी मिल चुकी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे हमारे क्षेत्र में टूरिज्म या स्वरोजगार को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ खुशहाली का माहौल रहेगा।
मेरा नाम युगल संबल है, मैं हेड़ा खान विश्व महाधाम का निवासी हूँ। बड़ा ही हर्ष का पल है, कल देर रात सूचना मिली कि जमरानी बांध परियोजना केंद्र से स्वीकृति मिल चुकी है, जो काफ़ी लंबे समय से 1973 से मांग रही है, जो आज भारतीय सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जी ने और इस योजना को धरातल पर उतारा है। पुनर्वास की अगर जरूरत होगी तो उसके लिए ज़मीन मिलेगी और यहाँ पर टूरिज्म के साधन होंगे। और मैं क्षेत्रीय विधायक जी से लेके और क्षेत्रीय सांसद और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वहीं विधायक राम सिंह खेड़ा ने कहा कि वह अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लंबे वर्षों से चली आ रही इस बांध परियोजना को स्वीकृति दी। इससे कहीं ना कहीं पानी और सिंचाई की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से चली आ रही थी और देर शाम उसको स्वीकृति मिल गई है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं साथियों क्षेत्रीय विधायक राम सिंह खेड़ा जी। सर, उत्तराखंड की आवाज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं उत्तराखंड की आवाज़ का अपनी तरफ से भी स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को उत्तराखंड आवाज़ की तरफ से उठाया जाता है। और आज मैं अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के जमरानी में हूँ, जहाँ पर ये हमारे यहाँ की 50 साल पुरानी जो मांग है, जो जनता की मांग थी, क्षेत्र की आम लोगों की मांग थी कि जमरानी बांध बने, तो आज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, पुष्कर धामी जी के सहयोग से और अजय भट्ट जी के सहयोग से हमें बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो मैं जमरानी में अभी हूँ और जमरानी से पुष्कर धामी जी को और नरेंद्र मोदी जी को और अपने क्षेत्रीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सौगात हमारी भीमताल विधानसभा को और हमारे क्षेत्र को हमारी सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने दी है। और यहाँ की जनता हमेशा माननीय मोदी जी के और पुष्कर धामी जी के और सांसद जी की आभारी रहेगी। और हमें इस क्षेत्र में बांध बनने से यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पर बाहर के पर्यटक आएंगे, यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और हर प्रकार की सुख सुविधाएँ यहाँ पर होंगी। और यहाँ का पानी जो तराई से लेकर के भाबर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के लोगों के काम आएगा। और यहाँ पर विद्युत उत्पादन से लेकर के हर क्षेत्र में आजीविका का भी एक माध्यम हमारा बांध बनेगा। और हर क्षेत्र में जहाँ पर भी बड़े बांध होते हैं, वहाँ पर बड़े बांधों से स्थानीय जनता को लाभ मिलता है और प्रदेश और देश को भी लाभ मिलता है। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूरगामी सोच के तहत उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। और क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से 11वीं बार वो उत्तराखंड आ चुके हैं और यहाँ की जनता से उनका बहुत बड़ा लगाव है, इस प्रदेश से लगाव है, क्योंकि ये देवी देवताओं का प्रदेश है, ये शिव जी की धरती है, ये राम की धरती है, ये गंगनाथ देवता की धरती है, ग्वेल देवता की धरती है और यहाँ पर देवी देवताओं का वास रहता है। यहाँ से गंगा, यमुना, जमुना, कई नदियाँ यहाँ से बहती हैं, तो इसलिए पूरे देश में उत्तराखंड का एक अलग पहचान है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी उत्तराखंड पूरे देश में जाना जाता है। तो निश्चित रूप से इस बात के बनने से हमारे उत्तराखंड की सहित भीमताल विधानसभा के लोगों को लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं इस परियोजना के पास होने से लोगों में खुशी के साथ दुख भी है, क्योंकि माइग्रेट भी होना है लोगों को। देखिए, जिनको माइग्रेट होना है उसके लिए जो उनका यहाँ पर जिस रूप में उनकी यहाँ पर अपनी जमीन है या जिस रूप में उनका अपना यहाँ आवास है, उसके दुगने रूप में उनको दूसरी जगह जो शिफ्ट होना पड़ रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, उनको उसी प्रकार की सुविधा हमारी सरकार देगी। और हमारे लोगों की जो प्रदेश में, चाहे टिहरी बांध बना हो या दूसरे जो भी देश में बांध बने हैं, उन्हीं शर्तों पर हमारे लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। और हमारे लोगों की सहमति के हिसाब से ही ये कार्रवाई चल रही है और हमारी सरकार सबको विश्वास में लेके काम करती है। पहले स्थानीय जनता को विश्वास में लिया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो भी माइग्रेट होंगे उन लोगों को भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उनको बहुत अच्छी खुशी होगी कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है। और निश्चित रूप से जो माइग्रेट हो रहे हैं उनको सरकार उसके जो यहाँ पर उनकी जमीन या जो भी आवास हैं उनके उसी तर्ज पर उनको दूसरी जगह आवास और जमीन उपलब्ध कराने का हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज आप खुद यहाँ पहुँचे हैं, सभी के बीच में हर्षोल्लास के साथ आप लोग हम देख रहे थे, बैठे थे, तो किस तरीके से खुशी है लोगों में?
देखिए जमरानी बांध बनने से, जमरानी में मैं अभी आया हूँ और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी खुशी है कि जो आज से 50 साल पहले ये बांध के लिए यहाँ पर उसका शिलान्यास भी किया गया था और बांध के लिए जो कर्मचारी थे जो यहाँ पर काम करते थे उनके लिए कॉलोनी भी काटी गई थी। कॉलोनी के भवन अभी आप जाते समय देख भी लेना कितने बड़े आवास यहाँ पर बने हैं। लगभग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रारूप उसका तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक लड़ाई की वजह से वो प्रोजेक्ट 50 साल पहले बीच में धरातल में सही तरीके से नहीं उतर पाया। लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी खुशी है कि जो 50 साल पुराना सपना था आज मोदी जी और धामी जी और हमारे क्षेत्रीय सांसद सब लोगों ने मिलकर पूरा करने का काम किया, हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है, तो लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। तो अभी हमारे साथ थे क्षेत्रीय विधायक राम सिंह केड़ा जी। देर शाम जब ये परियोजना पास हुई उसके बाद आज जमरानी पहुंचकर लोगों के बीच में खुशी जाहिर की है। विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों की अगर बात करें तो लगभग 82 अधिकारी और कर्मचारी इस परियोजना में शामिल हैं। वहीं अब इस योजना से हल्द्वानी शहर के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। जैसा कि विदित है, जमरानी बांध को कल केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वर्तमान में हम लोग इसकी कॉस्ट रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद इसकी EFC कराई जाएगी शासन स्तर पर और शासन स्तर से ही टेंडर डॉक्यूमेंट वैट होने के बाद फिर इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पे जो बांध है, बांध से प्रभावित परिवारों की अगर बात करें तो 6 गांव हैं, जो कुल 6 गांव के 1261 परिवार हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित होंगे और इसके प्रभावित होने की सीवियरिटी के आधार पे हमने परिवारों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी जो है वो सीवियरली इफेक्टेड फैमिलीज़ की है, उसके अंतर्गत 209 परिवार अभी तक चिन्हित हुए हैं और उसके अलावा श्रेणी 2 में 822 परिवार हैं और श्रेणी 3 में 230 परिवार हैं। इस प्रकार कुल मिला के 1261 प्रभावित परिवार हैं। इसका मुख्य जो लाभ है वो हल्द्वानी शहर को 42.7 MCM पानी प्रतिवर्ष रिजर्व रहेगा। इसमें ड्रिंकिंग वाटर हमारी पहली प्रायोरिटी पे है, जो हमारा उत्तर प्रदेश के साथ MOU है इसमें भी ड्रिंकिंग वाटर को पहली प्रायोरिटी पे रखा गया है। तत्पश्चात सिंचाई के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है उसमें से 57,000 हेक्टेयर एडिशनल इरीगेशन की इस प्रोजेक्ट से व्यवस्था होगी और इसके अलावा तीसरा जो लाभ होगा वो 14 मेगावाट बिजली बनेगी, जो साल भर में अगर हम कैलकुलेट करें तो 63 मिलियन यूनिट के आसपास बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही है और मुख्य रूप से जो अभी इमीडिएट हमें काम करने हैं वो EFC और टेंडर डॉक्यूमेंट की वेटिंग का और पर्याप्त स्टाफ यहाँ पर पोस्ट कराने का प्रयास है। उत्तराखंड के 2 जिले मुख्य रूप से इसमें लाभान्वित होंगे, नैनीताल और उधम सिंह नगर, और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले लाभान्वित होंगे, बरेली और रामपुर। ये प्रोजेक्ट पहली बार ये कंसीव हुआ था आइडिया 1975 में, तो लगभग 45 साल से अधिक समय इस प्रोजेक्ट को लगा है और अब जो है सरकार के प्रयासों से हम लोगों को सफलता मिली है इसमें और अब ये प्रोजेक्ट को अब प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में कोई अड़चन नहीं बची है। उत्तराखंड की आवाज़ के लिए कैलाश। आज जो हम यहाँ पे हमें सबसे बड़ा ये 48 साल से जो चीज़ हमारी एक इतनी बड़ी योजना जो पूरे हमारे भारत की इतनी बड़ी सबसे बड़ी योजना थी, यहाँ पे जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए जो रह गई थी वो योजना अभी हमें सौगात के रूप में हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे